तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मसाला लोबिया करी। ये देखिए, आप इसे सर्व कीजिए गरम गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फिर चलिए मसाला लोबिया करी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला लोबिया करी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं मसाला लोबिया करी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मसाला लोबिया करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लोबिया लिया है, ये देखिए, और मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है, और यह है गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक लिया है, नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा। तो आइए मसाला लोबिया करी बनाना शुरू करते हैं। मसाला लोबिया करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो लोबिया है इसे प्रेशर कुक करना है, तो अब इसे डाल देते हैं कुकर में। और अब इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 गिलास पानी, ये देखिए, और अब इसमें मिला देते हैं 1/2 छोटी चम्मच नमक, मिक्स कर देंगे। और अब कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 2 से 3 सीटी ले लेंगे और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ये देखिए। तो ये लोबिया को मैंने अच्छे से प्रेशर कुक कर लिया है और बाउल में निकाल लिया है, और ये देखिए कितने अच्छे से प्रेशर कुक हो चुका है। तो अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल भी गरम कर लिया है, ऑयल गरम हो चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं जीरा और जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और इसे भून लेंगे लगभग 1 मिनट तक। प्याज का रंग हल्का सुनहरा हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे और इसे भी भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर की प्यूरी, मिला लेंगे इसे, और अब इसे ढककर पका लेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे प्याज और टमाटर को पकाते हुए, ये देखिए। और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, सबसे पहले नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च, सभी मसालों को मिला लेंगे अच्छे से। तो मसालों को मैंने मिला लिया है अच्छे से और अब इसे पका लेते हैं लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो मसाला यहाँ पर पक चुका है, ये देखिए, मसाले में से ऑयल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल किया हुआ लोबिया, मिक्स कर लेंगे इसे मसाले में अच्छे से। तो मैंने इसे मिला लिया है मसाले में, ये देखिए, और अब इसमें ऐड कर देते हैं लगभग 1 गिलास पानी
मिक्स कर लेंगे इसे। और अब इसे ढक देते हैं और इसमें एक उबाल लगा लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है। ये देखिए अब इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिला लेंगे इसे और ये हमारी मसाला लोबिया करी बनकर तैयार है। और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए टेस्टी और मज़ेदार मसाला लोबिया करी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।